में स्वागत है आप दोनों का बॉलीवुड नज़र में। थैंक यू सो मच। ये बहुत खूबसूरत कबाब बनाया है आमिर अली जी ने, म्यूज़िक दिया है और साहिल फतेहपुरी का लिखा हुआ है, और ये एक सिंगल है और आई होप कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। पूजा जी इसमें परफॉर्म करने वाली हैं, आमिर खुद इसमें फीचर करने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरती से गाने को सजाया गया है। आइटम आइटम नहीं हो के एक ऐसा लग रहा है कोई खाने की डिश है बहुत ही खूबसूरत, और आप जब सुनेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मतलब आपके पैर अपने आप ही थिरकना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस कबाब में कितना दम है। लेकिन ये आइडिया कहाँ से आया लाहौरी कबाब का? नहीं, इट्स अ वेरी पैपी नंबर, मतलब इट्स अ वेरी पैपी कबाब, यू कैन से दैट, मसालेदार। आप लोग बहुत मजा लेंगे जब भी ये गाना सुनेंगे आप, तो उसी तरह से हमने लाजवाब खाने की तरह हमने इस गाने को सजाया है, पकाया है, और हमें उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा ये गाना। तो क्या आप जी और हमने दोनों ने मिलकर ड्यूट सॉन्ग किया है ये। तो हाउ वाज इट वर्किंग विद आमिर? बहुत मज़ेदार, और जैसे कि आप सुन भी रहे थे अभी हम गा रहे थे जब भी, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। हमने एक साथ गाया है तो वो बहुत रेयर होता है नाउरेज, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लस लोगों का रिस्पांस के बाद और ज़्यादा मज़ा आएगा, बट जो यहाँ पे माहौल है, जो यहाँ पे रिस्पांस है, वो बहुत अच्छा मिल रहा है, और ख़ुद को भी जब हम गाते हैं तो गाना पसंद आना चाहिए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सो आई होप द बेस्ट, आई विश द बेस्ट फॉर द सॉन्ग टू हिम। थैंक यू सो मच। इसके पहले आप एक म्यूजिक डायरेक्टर रह चुके थे, आप साउंड इंजीनियर भी रहे थे? इससे पहले मैं साउंड इंजीनियर था, उसके अलावा मैंने असिस्ट भी किया कुछ कंपोजर्स को, हिमेश जी, हिमेश शमे जी और इस्माइल दरबार, तो उन जैसे के, और काफ़ी लोगों के साथ काम किया। ममता जी और मुझ में एक कॉमन चीज़ है कि इन्होंने सलमान खान के सारे गाने ज़्यादा करके उनके लिए गाए हैं और सब सुपर हिट, और मैंने किया है सलमान जी के लिए, सलमान खान साहब के लिए काफ़ी गाने मिक्स किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं। वांटेड के गाने मैंने 2010 में मुझे बेस्ट रिकॉर्डिंग इंजीनियर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला वांटेड के गाने के लिए, और फिर बॉडीगार्ड के मैंने गाने किए इससे पहले, तो काफ़ी गाने जो भी सब सुपर हिट रहे हैं, इन्होंने जितने गाने गाए हैं सब सुपर हिट हैं, मैंने जो गाने मिक्स किए हैं वो सब सुपर हिट हैं, तो इस दो सुपर हिट मतलब मिल के एक काम किया है अभी हम लोग ने, हम चाहते हैं कि ये भी सुपर हिट हो। आपने इसके पहले ऑलरेडी जैसे कि कहा सुपर हिट गाने गा चुके हैं, भले वो ये हो बॉडीगार्ड का हो, टांग उठा के हो, या कोई भी गाने हो, तो अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस तरह का गाना आपको, ऐसे ही आइटम नंबर्स ही गाना है या फिर कुछ और भी आप देख रहे हैं? सी, हर सिंगर हर टाइप के सॉन्ग्स गा सकता है, ज़्यादातर बहुत कम होता है ऐसा कि एक सिंगर एक ही टाइप के गाने गाता है, और ये चॉइस होता है म्यूज़िक डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर्स का या डायरेक्टर्स का कि भाई इस सिंगर से हमें इस टाइप का गाना गवाना है। और आई थिंक बॉलीवुड थोड़ा सा टाइम लेता है हर सिंगर के साथ एक्सपेरिमेंट करने में, शुरुआत में आई थिंक जो गाता है वही टाइप कास्ट हो जाता है और वही गाता रहता है। सो आई एम एन्जॉइंग दिस फेस ऑल्सो, एंड आई अगर कोई मुझे अच्छा सूफी नंबर मिलेगा तो वो भी आई एन्जॉय। वैसे मैं स्टेज पर अपना ये सब गा के भड़ास निकाल लेती हूँ सब टाइप के गाने हम स्टेज पे गा लेते हैं, बट येट बॉलीवुड के अंदर म्यूजिक डायरेक्टर्स को टाइम है कि वो पहचाने और एक्सपेरिमेंट करें बहुत ज़्यादा सिंगर्स के साथ। आई गेस आजकल एक्सपेरिमेंट का ज़माना है, उस सबसे लोग काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिंगर अगर आइटम सॉन्ग गा रहे हैं तो वो वैसे ही गए। इससे पहले ये मेरा पहला आइटम सॉन्ग है, इससे पहले जो भी मैंने गाए हैं सैड सॉन्ग, रोमांटिक नंबर और सूफी सॉन्ग, वो सब गाए हैं। अभी ये पहला मैंने आइटम सॉन्ग ममता जी के साथ, मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मौका मिला इनके साथ गाने का, लेट्स सी। तो आप लोगों ने इतने सारे गाना गाए हैं, आप दोनों का पर्सनली खुद का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? बहुत सारे हैं, एक सिंगर से ये सवाल कभी नहीं करना चाहिए, हर इंटरव्यू में आपको अलग आंसर मिलेगा। फेवरेट है यार, राइट। सो आई गेस बहुत सारे फेवरेट्स हैं, अपने भी खुद कुछ एक गाने हैं जो बहुत फेवरेट है, और दूसरों के भी बहुत जो सुनते हैं तो अच्छे लगते हैं। एंड आई गेस अच्छे अच्छे सिंगर्स आजकल इतने अच्छे हैं, क्वालिटी वाइज वॉइस क्वालिटीज़ इतनी अच्छी अच्छी हैं बॉलीवुड में कि मतलब इट्स रियली टफ टू से कि कौन सा गाना आपका फेवरेट है। सीरियसली आई तो कांट आंसर दिस। ओके, तो आजकल रीमेक्स इतने सारे आ रहे हैं, हर मूवी में एक कोई ना कोई गाना तो जूनियर गाने का रीमेक होता है, तो आप दोनों के लिए ऐसा कौन सा गाना है जिसका रीमेक आप लोग सोचते हो कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, मेरा फेवरेट है? अगेन बात वही आ गई कि फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, तो एक्चुअली फेवरेट्स कुछ नहीं है, सभी गाने अच्छे लगते हैं, कोई भी गाना सुनते तो लगता है यार ये इसका रीमेक होना चाहिए, और रीमेक होना भी अच्छा है कि मतलब गाने रिवाइव हो जाते हैं आजकल की जनरेशन को, जो नहीं पता है तो उनको भी पता चल जाते गाने। सो आई गेस इट्स अ गुड ट्रेंड, बट नो फेवरेट सॉन्ग्स, क्योंकि बहुत सारे गाने, लिस्ट बहुत लंबी है, सो नो वन सॉन्ग आई कैन टेल यू कि ये मेरा फेवरेट है, इट्स नथिंग लाइक दैट। जैसे कि आपने कहा कि कोई पुराना सॉन्ग, वो एक्चुअली मैं ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग रिकॉर्ड, वो श्रेया घोषाल के साथ मैंने किया है, लेकिन वो अभी बहुत जल्दी होगा बोलने के लिए, जब वो रिलीज़ होगा ऑटोमेटिकली सबको पता चल ही जाएगा। ओके, तो ओल्ड सॉन्ग का रीमेक किया है।
ओके तो अभी चलो ये तो नहीं बताया आप लोगों ने, इट्स ओके. लेकिन कौन से एक्टर या एक्ट्रेस के लिए यू नो आपका ड्रीम है कि हाँ इनको, इनके लिए मुझे एटलीस्ट मेरे करियर जर्नी में एक गाना गाने का है, कौन से ऐसे एक्टर या एक्ट्रेस है? ऐसे तो बहुत सारे हैं, अभी अभी तो किसी के लिए गाया नहीं, अभी 4 साल हुए 5 साल हुए मुझे इंडस्ट्री में, अभी तो सभी बाकी है आई गेस. किसी के लिए भी मतलब हर साल एक 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 गाना गाया मुश्किल से अभी, और आई थिंक बहुत लंबा जर्नी है, अभी सब लिस्ट में सब बाकी है, सलमान सर को छोड़ के बाकी सब बाकी है आई थिंक. एंड व्हाट अबाउट यू? हमारी तो अभी बिगनिंग ही है, शुरुआत है, लेट्स सी किस्मत कहाँ तक लेके जाती है. हम अगर अभी वेट कर रहे हैं तो इनका वेट कितना लंबा है. राइट ओके, तो ये जो आपका लाहौरी कबाब है इसका कुछ लाइन हमें गा के सुना दीजिए फॉर योर फैंस. डेफिनेटली आई विल सिंग वन लाइन फॉर यू ऑल एंड आमिर विल ऑल्सो सिंग आफ्टर मी. कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब, अरे कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब. कहते हैं सब तुझको जनाब लाहौरी कबाब. कहते हैं सब मुझको जनाब लाहौरी कबाब.